लग रहा है कि एकदम शीश महल में पहुंच चुके हैं, देख सकते। सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ही खड़े हैं कलकत्ता के कल्याणी आईटीआई मोड़ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीते साल में ही अगले साल दुर्गा पूजा पे यहाँ पे बनाया गया था मलेशिया का ट्विन टावर। इस साल भी कुछ नया बनने के लिए जा रहा है, मतलब बन चुका है वो पंडाल, और काफ़ी फेमस पंडाल है वो, आप लोग को वीडियो के आगे पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं, चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं और आपको पूरा पंडाल को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या बनाए क्या नहीं, और चलते हैं। चलिए यहाँ पे, और फ्रेंड्स आप लोग बता दें, यहाँ पे लाइटिंग का काफ़ी अच्छे से, मतलब हर साल बेहतर ही होता है, इस साल भी कुछ बेहतर करने के लिए मतलब होगा, कुछ बेहतर किया गया है। तो चलिए अभी आप लोग को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो बैरियर है, यहाँ पे बांस का बैरियर लगा दिया गया है और इसी से सबको लाइन बाय लाइन जाना है देखने के लिए। देख सकते हैं काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो हम लोग को भी इसी लाइन से जाना है पंडाल की ओर और पंडाल को देखना है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे और आपको पंडाल पे दिखाएंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पंडाल में ये जो पंडाल बन रहा है वो पंडाल बनेगा लिस्बुआ होटल, जो चाइना में है। लिस्बुआ होटल बना है यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी लेजर लाइट शो भी चल रहा है वहाँ पे। तो अभी हम लोग चलेंगे, जस्ट सामने में ही खड़े हैं वहाँ पे, अभी हम लोग चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और लास्ट तक देखें। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बस पंडाल की करीबी है, आप लोगों को लेकर चलते हैं और पंडाल का रूबरू कराते हैं। तो यहाँ पे बना है ग्रैंड लिस्बुआ होटल, ग्रैंड लिस्बुआ होटल जो चीन में है, काफ़ी खूबसूरत है और एकदम वैसा ही हूबहू उतार दिया गया है। तो चलिए अभी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कलकत्ता का क्रेज़ बंगाल में किस तरह होता है दुर्गा पूजा का, देख सकते हैं भीड़, काफ़ी भीड़ है फ्रेंड्स, काफ़ी भीड़, और आज तीसरा ही दिन है और तीसरा दिन में ही भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं ग्रैंड लिस्बुआ होटल के पास, देख सकते हैं ये रहा पूजा पंडाल, क्या ही लग रहा है फ्रेंड्स, एकदम लग रहा है कि हूबहू एकदम जेरोक्स कॉपी बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग जान सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, लग रहा है कि एकदम हम कोई पंडाल को नहीं, एकदम हम हूबहू देख रहे हैं चीन का लिस्बुआ होटल, लग ही नहीं रहा है कि ये पंडाल है, देख सकते हैं एकदम टू कॉपी, एकदम जेरोक्स, जैसा वहाँ पर लाइट शो होता है उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा लाइट का भी काम किया गया इधर, आप लोग वीडियो पर तो देख ही रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत देखने में भी लग रहा है। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी लोगों का भीड़ भी है यहाँ पे, तो देख सकते हैं इधर पंडाल, तो देख सकते हैं गाइस क्या ही पंडाल लग रहा है। और देखिए ऊपर पे लिखा हुआ भी है ग्रैंड लिस्बुआ होटल और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दिखने में ये पंडाल। ओ, दिल खुश कर दिया गाइस, दिल खुश, मतलब जो होता है ना पूरा दिल खुश, एकदम पूरा दिल खुश कर दिया ये पंडाल। और फ्रेंड्स अभी हम लोग को पता चला है कि ये नंबर वन पंडाल, मतलब अभी तक जो जितने टॉप फाइव, टॉप थ्री, टॉप वन में ये पंडाल अभी तक जा रहा है। अभी जैसे कि वोटिंग होता है ना उस तरह वोटिंग हुआ है, तो अभी सबसे पहला नंबर पर ये पंडाल चल रहा है ग्रैंड लिस्बुआ। और फ्रेंड्स मतलब लग कह रहा है, मतलब होना भी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह लाइटिंग शो हो रहा है, क्या ही लग रहा है गाइस, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी धीरे धीरे हम लोग आगे पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं और हम आपको लेके चलेंगे, हमारे दुर्गा माता जी को भी दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी चलेंगे, चलिए। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भीड़ है, मतलब इतना सोचे नहीं थे कि यहाँ शुरू दिन में इतना ज़्यादा भीड़ होगा, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत। देख सकते हैं आगे की ओर भीड़, ये जो भीड़ है पूरा एकदम पंडाल के सामने में है, अंदर जाना है हम लोग उसके ओर। और ये रहा हमारा लिस्बुआ होटल, जो दुर्गा पूजा पंडाल बनके पूरा तैयार हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, एकदम चारों तरफ चकाचौंध लाइट से पूरा भरा भरा पड़ा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्लब का नाम है लुमिनस क्लब, लुमिनस क्लब के द्वारा आयोजन किया जाता है ये पूजा पंडाल, पूरा बन के हुआ तैयार और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइस, काफ़ी खूबसूरत। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कितना भीड़, काफ़ी भीड़ है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो पूरा काम है ये लग रहा पूरा शीशा है, देख सकते हैं पूरा शीशे से बनाया गया है। यहाँ पे हमेशा लग रहा है कि शीश महल में पहुँच चुके हैं हम लोग, जो मुंबई में है शीश महल, देख सकते हैं। अभी चलेंगे हमारे दुर्गा माता के पास, तो चलिए। देख सकते हैं एकदम पूरा शीशे से सजाया गया पूरा पंडाल के अंदर को, लग रहा है कि एकदम शीश महल में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं भीड़ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तीसरे दिन ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी तो सप्तमी अष्टमी बाकी ही है, सप्तमी अष्टमी में क्या होगा फ्रेंड्स सोच सकते हैं। देख सकते हैं पंडाल के चारों ओर चलेंगे बाहर की ओर। तो फ्रेंड्स आप लोग को कुछ बता दें, जैसे आप पंडाल के एग्जिट गेट से बाहर होइएगा, सामने में ही आपको मेला एक लगा हुआ रहेगा, मतलब लगा हुआ मिलेगा। आप लोग मेला में आ सकते हैं, मेला में घूम सकते हैं, उधर देख सकते हैं मेला में क्या क्या हुआ है। उधर है मिक्की माउस, उधर है ट्रेन, और उधर देख सकते हैं एक झूला भी है। फिर चलेंगे उन लोग के सामने, और इधर कुछ खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है। मतलब ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मेला इसलिए लगाया जाता है ताकि थोड़ा पंडाल का रौनक बढ़े, और रौनक तो बढ़ेगा ही क्योंकि इतना बढ़िया पंडाल बना है, तो क्या ही बोले, जितना शब्द बोले उतना कम है। इधर देख सकते हैं बच्चों लोगों के लिए यहाँ पे आया हुआ है, कार राइडिंग कर सकते हैं बच्चे लोग यहाँ पे। और ये रहा मिक्की माउस, और ये रहा तारा माची जिसको हम लोग बोलते हैं। इधर देख सकते हैं मेला कुछ लगा हुआ है इस प्रकार है, देख सकते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। फिलहाल चलते हैं बाहर, ये कुछ दिखाना था आपको, हम दिखा दिए, तो चलेंगे अब बाहर की ओर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस मेला में ब्रेक डांस भी आया हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी लोग चढ़ के वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं मेला को, दुर्गा पूजा मेला को। और इधर भी मतलब मेला पर भी अच्छा खासा ही भीड़ है, देख सकते हैं इधर और अच्छा का चौंद एकदम मेला में, देख सकते हैं इधर। सो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह एक वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।